Again, next example regarding respect to type casting. Here we are performing casting or converting integer into character. Integer का size क्या रहेगा? Generally 2 bytes. Convert कितनी bytes में ना? 1 bytes. जब higher range data को lower range में convert करें, इस process को name देंगे जा type casting process. Type casting process means forcefully assignments. In this case, information may be lost, may be same information, may be preserved. Depends upon amount of information. इस केस में दोनों ही केस टेस्ट कर रहे हैं. First one. First of all, in that process, we are declaring 4 variables. X, Y, A, B. Here, X, Y are integer variables. तो X and Y के respect में बात करें, X और Y के केस में bytes कितने allocate होंगे? 16 bytes. Sorry, 16 bits or we can say 2 bytes. Because of integer. सबसे पहले assignment किस में हुआ? X में. तो X के केस में बात करें, assign क्या हो रहा है इसमें? 4. Let's see in that case x equals to 4. 4 के केस में डेटा किस फॉर्म में असाइन करें? बाइनरी फॉर्मेट. बाइनरी नंबर ऑफ 4 इज 100. तो टोटल बिट्स कितने हैं? 3 बिट्स. लेकिन ये डेटा कॉपी कितने बिट्स में हो रहा है? 16 बिट्स में. तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट किस कितने बिट्स में करें? 16 प्लस रिमेनिंग टाइम से असाइन क्या करा लें? डिफॉल्ट वैल्यू है 0. लाइक दैट फाइनली असाइन क्या हुआ इस केस में? x में 1 0. असाइनमेंट कैसे होगा? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. रिमेनिंग टाइम्स आर 0 0 0 0 0 0. डोंट कंफ्यूज इन प्रीवियस केस. जैसे मैंने प्रीवियस केस में टाइप प्रमोशन के केस में आपको एक्सप्लेन किया था कि किसी भी नंबर के केस में एक्स्ट्रा बिट्स क्या फ्लोंगे? सेम है साइन बिट. लेकिन साइन बिट का परफॉर्म करें जब एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में कॉपी कर दें. इस केस में डायरेक्टली अभी बाइनरी नंबर जनरेट किया है, न कि कन्वर्जन. अभी इस किसी भी वैल्यू को अदर वैल्यू में असाइन किया गया. ये सिंपली एक्स का बाइनरी नंबर जनरेट किया इन द फॉर्म ऑफ 16 बिट्स. तो इसलिए रिमेनिंग टाइम्स क्या ऐड करा लेंगे? जा 0. नॉट अ साइन बिट बिकॉज 1 इज नॉट अ साइन बिट. प्रीवियस केस में 1 क्या था? साइन बिट. हियर 1 इज नॉट अ साइन बिट. इट इज अ पार्ट ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट वन. सिमिलरली नेक्स्ट टाइप वाई. वाई के केस में असाइन करा है 260. तो 260 के केस में अगेन कन्वर्जन क्या करेंगे? इनटू बाइनरी. व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ 260? 100 0100. दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ 260. तो रिमेनिंग टाइम्स 9 बिट्स अवेलेबल है. 7 टाइम्स सेट कराएंगे एज अ 0 डिफॉल्ट वैल्यू. अगेन कॉपी दिस डेटा इनसाइड वेरिएबल वाई. ये डेटा आसान किस में जाए? वाई में. मींस 0 0 0 0 0 1 0 0. रिमेनिंग टाइम्स 0 0 0 1 एंड ऑल टाइम 0. दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स वाई इन द फॉर्म ऑफ 16 बिट रिप्रेजेंटेशंस. अगर आपको बाइनरी कन्वर्जेंस प्रॉपरली क्लियर नहीं, स्टार्टिंग के वीडियोज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था हाउ टू रिप्रेजेंटिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. अगर इस केस में किसी भी टाइप के कन्फ्यूजन जनरेट हो तो पहले प्रीवियस वीडियो फिनिश करो, देन इस वीडियो को ईजिली समझना पॉसिबल होगा. नेक्स्ट वन, वेरिएबल्स ए एंड बी. अगेन वी आर डिक्लेयरिंग टू वेरिएबल्स कॉल्ड एस ए बी. लेकिन ए एंड बी का डेटा टाइप क्या है? ए बी आर कैरेक्टर वेरिएबल्स. इसलिए ए एंड बी के लिए ओनली 1 बाइट्स एलोकेट होंगे. कितने बाइट्स एलोकेट होना है? ओनली 1 बाइट्स. फर्स्ट वन, सॉल्व दिस एक्सप्रेशन. ए इक्वल्स टू एक्स. एक्स के केस में बात करें, एक्स के पास 16 बिट्स अवेलेबल हैं. लेकिन ये डेटा कॉपी कितने बिट्स में हो रहा है? 8 बिट्स में. इस केस में असाइनमेंट कैसे हुआ? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. एक्स के केस में बाइनरी बिट्स क्या हैं? बाइनरी बिट्स ऑफ एक्स आर 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0. लेकिन ये कॉपी किस में हो रहा है? ए में. और ए के पास अवेलेबल बिट्स क्या हैं? कितने हैं? ओनली 8 बिट्स. तो असाइन क्या होंगे? ओनली राइट मोस्ट 8 बिट्स आर कॉपीड हियर. रिमेनिंग बिट्स आर कंसीडर्ड एज लॉस्ट इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल ए. वन मोर थिंग, अगर रिमूव्ड बिट्स में एक भी बिट 1 फाउंड हो रहा है, देन इन्फॉर्मेशन लॉस्ट होने के चांसेस हैं. लेकिन इस केस में जितने भी बिट्स रिमूव हुए, सारे के सारे बिट्स क्या हैं? 0. इसलिए अगर हायर रेंज को लोअर रेंज में भी असाइन किया, तब भी इससे डेटा लॉस्ट नहीं हुआ. तो सिंपली इस केस में असाइन क्या हो जाएगा? असाइन क्या करें? राइट टू लेफ्ट इनसाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉपीज कॉपीड इनसाइड ए. असाइनमेंट कैसे होगा? राइट टू लेफ्ट 0 0 1 0 0 अगेन 0 0 एंड अगेन 0.
इस x के पास अवेलेबल 16 बिट्स हैं लेकिन कॉपी कितने बिट्स हो रहे हैं, ओनली 8 बिट्स, तो रिमेनिंग 8 बिट्स a में असाइन करना पॉसिबल नहीं, तो a के रिस्पेक्ट में रिमेनिंग बिट्स को कंसीडर करेंगे जो लॉस्ट इंफॉर्मेशन, लेकिन इस केस में कोई भी रियल में देखा जाए तो कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस्ट नहीं हुआ क्योंकि सारे के सारे रिमूव्ड बिट्स कैसे हैं, ऑल बिट्स आर जीरो, इसलिए एक्स में भी कैश हो रहा है 4 और ए में भी कैश हो रहा है 4 बिकॉज ए का साइन बिट क्या है 0, इसका डेसिमल नंबर क्या है ऑल्सो 4, देयर आर नो इन्फॉर्मेशन विल बी लॉस्टेड हेयर, बट लेट्स सी इन सेकेंड केस, इन केस ऑफ बी इक्वल्स टू वाई, वाई के केस में अगर देखा जाए तो वाई का बाइनरी नंबर क्या है 00001, अगेन 00010. नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन कॉपी किस में करना है, इनसाइड बी, तो बी के केस में ओनली राइट मोस्ट 8 बिट्स कॉपी करना पॉसिबल है, बी में जब कॉपी करेंगे इनसाइड बी तो सबसे पहले कॉपी क्या होगा इस केस में, राइट मोस्ट बिट 0, देन नेक्स्ट बिट अगेन 0, देन नेक्स्ट बिट मीन्स 1, देन नेक्स्ट बिट 0, देन 4 बिट्स 000. बी के पास अवेलेबल बिट्स कितने हैं 8 बिट्स, इसलिए ओनली 8 बिट डेटा कॉपी करना पॉसिबल है, लेकिन रिमेनिंग 8 बिट्स को कॉपी करने के लिए बी के पास कोई मेमोरी अवेलेबल है क्या, नहीं, इसलिए रिमेनिंग बिट्स को कंसीडर करेंगे एज अ लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, इस केस में लॉस्ट इन्फॉर्मेशन 0 के साथ साथ डिलीट क्या हो रहा है, रिमूव क्या हो रहा है 1, वी आर लॉस्टिंग 1 हियर, देयरफॉर देयर मे बी अ चांस ऑफ लॉस्टिंग सम डेटा ड्यूरिंग टाइप कास्टिंग और फोर्सफुली असाइनमेंट्स, लेट्स सी, देन y को कॉपी किया इनसाइड a, तो कॉपी क्या हुआ सबसे पहले 0 0 1 0 0 0 0, अगेन 0, लेकिन रिमेनिंग बिट्स को असाइन करने के लिए b के पास कोई भी मेमोरी स्पेस फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए इस केस में लॉस्ट क्या हो रहा है 1, मीन्स इस केस में इन केस ऑफ टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग के केस में इंफॉर्मेशन लॉस्ट भी हो सकता है, इन्फॉर्मेशन सेम अमाउंट ऑफ बिगिनर रेंज फाउंड देन कोई भी डेटा लॉस्ट नहीं होगा, जैसे प्रीवियस केस में एक्स के केस में कोई भी बिट 1 बिट या पॉजिटिव बिट इस केस में रिमूव नहीं हुआ, इसलिए डेटा इससे अफेक्ट नहीं हुआ, मीन्स एक्स में भी क्या फाउंड हुआ था 4 और ए में भी रियल में क्या स्टोर हुआ ऑल्सो 4, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन लॉस्टेड हियर, इन बी के केस में बात करें वाई के केस में स्टोर किया था 260, लेकिन इसका रियल में अगर जब इसका डेसिमल नंबर निकालेंगे बी के रिस्पेक्ट में तो बी के केस में असाइन क्या हुआ है ओनली 4, मीन्स जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी प्रिंटेड, ए के केस में जब ए का डेसिमल नंबर निकालेंगे बाइनरी टू डेसिमल डायरेक्टली पॉसिबल बिकॉज साइन बिट 0, रिजल्ट क्या आएगा 4, सेम है बी के केस में भी क्या साइन बिट 0 रिजल्ट नंबर इज पॉजिटिव, डायरेक्टली जब इसका डेसिमल नंबर निकालेंगे मीन्स 2 की पावर 2 क्या आएगा अगेन 4, इसे ए और बी के केस में दोनों केस में रिजल्ट कैसे सेम, एक्स में 4 था इसलिए ए के रिस्पेक्ट में कोई भी डेटा लॉस्ट नहीं हुआ, लेकिन वाई में क्या था 260, लेकिन जब 260 बी में कॉपी किया तो इनडायरेक्टली बी के केस में क्या स्टोर हुआ रियल में 4 नॉट अट 260, देयरफॉर वी आर लॉस्टिंग सम इन्फॉर्मेशन, देयरफॉर इन केस ऑफ टाइप कास्टिंग देयर मे बी चांस ऑफ लॉस्टिंग सम डेटा और इन्फॉर्मेशन।